हकीकत से मुंह फेरता ये समाज आखिर कब हकीकत से रूबरू होगा? समाज जानता नहीं और लोग बताते नहीं। आइए जानते हैं हमारे साथ। अपने सर्कल को पूरे बैंक में अग्रणी स्थान पर रखेंगे और अगले वर्ष फिर हमारे साथ बात दूसरे बैंक का सर्दी है जिससे अगस्त बात करना है और इन्होंने एचआर कैसे शुरुआत की है काम कर रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर ये प्रोफेशन सिर्फ 18 आदमी है। तो जब हमने यहाँ ज्वाइन किया तो हमें लगा कि हमें लेडीज को गर्ल्स को एनकरेज करना चाहिए कि वो स्टेट बैंक में आए और रोजगार की संभावनाएं तलाश करें और आगे बढ़ें। तो एक परंपरा है स्टेट बैंक के अंदर कि जो भी आता है हम उसे ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन ट्रेनिंग हम सिर्फ देते हैं उसे कार्य करने की, बैंकिंग कैसे करनी है, पर इस प्रकार की कोई भी ट्रेनिंग के उन्हें, क्योंकि बच्चे जो हैं कुछ डायरेक्ट कॉलेज से आते हैं, अलग अलग सामाजिक परिवेश से आते हैं, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड से आते हैं। तो हो सकता है कि कोई दिल्ली से आई हुई लड़की या मुंबई से आई हुई लड़की जिसे उत्तर प्रदेश में पोस्टिंग मिली, उसे हमने एक ब्रांच ऐसी दी जो गोरखपुर के किसी गाँव कस्बे के अंदर, तो वहाँ का परिवेश एकदम अलग है। तो इस बात की कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि आपको अपने आप को इकट्ठा कैसे करना है और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप किससे संपर्क करेंगे, कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम, और कस्टमर को कैसे डील करना है या आपस में स्टाफ के साथ आपको कैसे मेलजोल बढ़ाना है और इस तरह से बढ़ाना है कि किसी भी अप्रिय घटना का सामना ना करें। तो हमें लगा कि हमें इसके लिए लेडीज मेंटर्स जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं जो 7-8 साल बैंकिंग में ऑलरेडी गुजार चुके हैं, हमने ऐसे लेडी ऑफिसर्स को आइडेंटिफाई किया। वो जितने भी हमारे एम्प्लॉयज आ रहे हैं, चाहे वो एज ऑफिसर आए चाहे एज क्लरिकल आए, उनको उनके साथ मैप किया है। ये उनके मेंटर्स हैं, उनके ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उसमें अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। इतना ही नहीं, इनको हमने सखी का नाम दिया। वो सखी का नाम इसलिए दिया कि सखी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जिसके साथ अपने सब सुख दुख को बांट सकते हैं। सखी एक ऐसा शब्द है कि जिसे जिसके लिए कहा जा सकता है कि उसे कुछ नहीं कहे तो भी वो समझ जाएगा कि क्या दिक्कत क्या है। तो इस सखी का नाम दिया गया। अब ये सखियाँ जो हैं एचआर के जो हमारे मैनेजर्स हैं उनके साथ लिंक है और ये उनको फीडबैक देती हैं कि ये हमें करना चाहिए ताकि हमारा साफ अच्छे ढंग से आगे बढ़ भी सके और आपस में भी एक बॉन्डिंग भी बन सके। और वो एचआर के तरफ से जो हमारे पास हर मंथ में जो भी फीडबैक आता है कार्य प्रणाली को दुरुस्त करते हैं और जो इनिशिएटिव लेते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हो रहा है कि कोरोना के दौरान बहुत सारे लेडी एम्प्लॉयज़ जो अकेले आए थे, कहीं पर दूर रह रहे हैं पेरेंट्स के बिना या किसी को दिक्कत ना आए, कभी कई बार डिप्रेशन का शिकार हुए कुछ हुआ, तो अगर ये सखी नहीं होती, ये उन्हीं ने खुद ने कहा, ये हमारा अनुभव था कि अगर सखी ना होता तो हमें बड़ी नहीं होती तो बड़ी दिक्कत होती। तो अब सखी के होने से वापस में अपने मन की बात कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उसकी फॉर्मल ट्रेनिंग में कैसे ग्रूम किया जाए बैंक के अंदर आगे ऑफिसर्स में उन्नति लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो ये सब भी कार्य सखी के माध्यम से किया जाए। रूरल इंप्लॉयमेंट से जुड़ा और आप ही का नाम, मुझे बड़ा खुशी हुई कि आप ही नाम और 7,000 के आसपास ड्यूटी में उस समय अपॉइंटमेंट अध्याय का क्या रोल कितना। देखिए, जो उत्तर प्रदेश सरकार की सखी कंसेप्ट है वो स्लाइटली इससे डिफरेंट है। उन्होंने नाम सखी ही दिया हुआ है, वो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट है एक तरह से, और बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट का काम करते हैं। हमारे यहाँ ये जो सखी की जो कॉन्सेप्ट है वो इंटरनल स्टाफ के लिए है, तो दोनों अलग अलग हैं, इसका किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे इस कॉन्सेप्ट के बारे में जो जब राज्यपाल महोदया ने सुना था तो उन्होंने हमें कहा था कि हमें आके इसका प्रेजेंटेशन दें, हमने उनके बारे में बताया था, वो बहुत खुश हुए थे इसके बारे में जानकर। उन्होंने हमें कहा था कि हम
राज्य सरकार से सिफारिश करेंगे कि क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर भी लेडी टीचर्स थोड़ी दूर दूर जाती हैं और वहाँ उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उन्हें भी कोई ना कोई मेंटर चाहिए। उन्होंने कहा था कि हम सुझाव देंगे राज्य सरकार को कि इसी तर्ज पर वो भी कुछ ऐसा प्रयास करें। रूरल इंप्लॉयमेंट से जुड़ा और आप ही का नाम, मुझे बड़ा खुशी हुई कि आपका भी नाम और 7,000 के आसपास यूपी में उस समय अपॉइंटमेंट अध्याय का क्या रोल कितना। देखिए, जो उत्तर प्रदेश सरकार की सखी कंसेप्ट है वो स्लाइटली से डिफरेंट है। उन्होंने नाम सखी ही दिया हुआ है, वो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट है एक तरह से, और बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट का काम करते हैं। हमारे यहाँ ये जो सखी की जो कॉन्सेप्ट है वो इंटरनल स्टाफ के लिए है, तो दोनों अलग अलग हैं, इसका किसी से कोई कनेक्शन नहीं होगा। ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे इस कॉन्सेप्ट के बारे में जो जब राज्यपाल महोदया ने सुना था तो उन्होंने हमें कहा था कि हमें आके इसका प्रेजेंटेशन दें, हमने उनके बारे में बताया था, वो बहुत खुश हुए थे इसके बारे में जानकर। उन्होंने हमें कहा था कि हम राज्य सरकार से सिफारिश करेंगे कि क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर भी लेडी टीचर्स थोड़ी दूर दूर जाती हैं और वहाँ उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उन्हें भी कोई ना कोई मेंटर चाहिए। उन्होंने कहा था कि हम सुझाव देंगे राज्य सरकार को कि इसी तर्ज पर वो भी कुछ ऐसा प्रयास करें। संवाद संवाद देखिए, हमने कहा था कि संवादहीनता संवेदनहीनता को जन्म देती है। अगर संवाद नहीं होगा आप एक दूसरे के दुख को नहीं जान पाएंगे, संवाद नहीं होगा आप महसूस नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे संवेदनाहीन हो जाएंगे, जो कि किसी भी टीम के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी समाज के लिए अच्छी बात नहीं। तो संवाद जो कॉन्सेप्ट हमने अपने बैंक के अंदर एचआर इनिशिएटिव के रूप में हम लेकर आए वो ये है कि छोटे एम्प्लॉई जो जूनियर एम्प्लॉयज़ हैं वो कभी भी उच्च अधिकारियों तक से सीधा बात नहीं कर पाते, उन तक बात पहुँचा नहीं पाते। हालांकि एचआर का पूरा सिस्टम है, हर रीजन में मॉड्यूल में एचआर के लोग रहते हैं, लेकिन डायरेक्ट बात नहीं करते। तो इसकी वजह से कई बार मैनेजमेंट जो है टॉप मैनेजमेंट ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है उससे वाकिफ नहीं हो पाया। तो हमने ये शुरू किया कि महीने के आखिरी दिन शाम को 5 से 6:30 एक डेडिकेटेड फोन लाइन हमने फिक्स की है, जिस पर कोई भी हमारा साफ सदस्य हमें फोन कर सकता है। उसमें मुझे मेडिकल स्टाफ के, गार्ड्स के, चपरासी के, ऑफिसर्स के सब के फोन आ गए। वो अपनी समस्याएं भी बताते हैं, वो सुझाव भी देते हैं कि हम कैसे बैंकिंग की प्रणाली को अच्छा कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स को कैसे अधिक सेटिस्फाई कर सकते हैं। साथ साथ वो एचआर की पॉलिसीज के बारे में भी बताते हैं, अपनी व्यक्तिगत तकलीफों के बारे में भी बताते हैं। अगर मान लीजिए किसी के साथ कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, उन्हें ट्रांसफर चाहिए और रुकिंग नहीं हो रहा है, वो हमें बताते हैं, तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। ये संवाद की जो कंसेप्ट हमने जो चलाई इससे हमारे जी देखिए क्या होता है, बहुत सारे एम्प्लॉयज बैंक में काम कर रहे हैं कभी किसी दुर्घटना का शिकार हो या ईश्वर नहीं करें किसी को हार्ट अटैक आ जाए, अचानक उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है। अब के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें इस बात के बारे में पता नहीं होता कि सिस्टम क्या है, कहाँ एडमिट कराना है, फिर उनकी बिलिंग कहाँ देनी है। आजकल खर्चा बहुत आता है और बैंक जो हॉस्पिटल्स हैं वो उसी समय पैसा मांगते हैं, जल्दी पेमेंट करनी होती है, इतना पैसा किसी के पास नहीं होता है। उन्हें फिर एम्प्लॉयज़ के फैमिली मेम्बर्स को पता ही नहीं होता कहाँ अप्लाई करना है, कैसे बिल में बनेगा। इसी प्रकार से कई बार अनटाइमली डेथ हो जाती है, तो उस समय क्या किया जाए, उनके टर्मिनल ड्यूज को कहाँ किसको संपर्क किया जाए, तो उन्हें चक्कर काटने पड़ते हैं। एक ऐसा केस हमारे सामने आया तो हमने तुरंत इसका हल निकाला, तो संबल नाम से एक इनिशिएटिव निकाला। हर रीजन में जैसे लखनऊ से 41 रीजन में बटा हुआ है, वहाँ एक मैनेजर एचआर है, कहीं पर भी कोई भी एक्सीडेंट का केस होगा या किसी भी प्रकार के हॉस्पिटलाइजेशन का केस हुआ हमने एक पोर्टल बना दिया, उसके अंदर उसे डाल देते हैं, या किसी की डेथ हो गई उसका वो उसमें नाम डाल देते हैं। और एक नोडल ऑफिसर हेड ऑफिस के अंदर है जिनको हमने डेजिग्नेशन दिया हुआ है चीफ मैनेजर एचआर स्पेशल प्रोजेक्ट्स, ये तीनों प्रोजेक्ट्स जो है इसी के अंदर डालते हैं, बाकी प्रोजेक्ट्स हैं तो वो वहाँ से फॉलोअप करना चाहते हैं। तुरंत लोगों को कहा जाता है कि आप उसे
संपर्क करें, कागजी कार्रवाई जो भी करनी है उन्हीं के घर जाकर करें, खुद प्रोएक्टिव होकर और उनके उनकी मदद दें कि उन्हें कोई परेशानी नहीं आए। जो विपदा आई है बीमारी के रूप में या किसी और रूप में, उसका तो सामना करना है, लेकिन उनके लिए हम एक संबल बनकर खड़े हैं उनके साथ, इसलिए इसे संबल का नाम दिया गया। और इससे स्टाफ के अंदर एक नए स्टाफ ने कहा कि साथ लीजिए, तो मुझे लगता है कि इससे स्टाफ का आपस में जो मेल जोल है बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा।